अच्छा आप भी घबरा रहे होंगे ना, अरे मेरी तो रैंक जीरो हो गई, ये क्या शो कर रहा है एप्लीकेशन के अंदर। आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि 5% कैसे आ गया। कोई फिगर माइनस में दिख रही होगी, कोई फिगर प्लस में दिख रही होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार ये जो नया प्लान आया है इसके अंदर आखिर मोदी केयर कर क्या रहा है ना। चलो आज की वीडियो में ना मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, क्या नया प्लान बढ़िया है या वो खराब है, आपकी रैंक जीरो क्यों हो गई, क्या होगा और कैसे काम करना पड़ेगा आपको, सारे सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना और कमेंट करके जरूर बताना एंड में कि यार आपको क्या लग रहा है इस प्लान के अंदर। ठीक है चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो पहले एक बात समझते हैं, जो पुराना वाला प्लान था उसके अंदर क्या होता था। डायरेक्टर बनने के लिए आपको एक्यूमुलेशन में यानी कि जुड़ते हुए क्रम में कितने पीवी करने पड़ते थे, 4001 पीवी। यानी कि 4001 पीवी जब तक आपके नहीं होंगे तब तक आप डायरेक्टर वाली रैंक पर, डायरेक्टर वाले लेवल पर नहीं आते थे। अच्छा क्या डायरेक्टर वाले रैंक पर आते ही बोनस मिलता था? नहीं मिलता था। यानी कि आपको पहले और क्या करना पड़ता था, पहले तो जी यहां पर पहुंचो जिसमें कुछ महीने लग सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता था, हर महीने 1250 पीवी करने पड़ते थे अगर आपको डायरेक्टर बोनस लेना होता था तो। मैं सही कह रहा हूं, ऐसा ही होता था पुराने प्लान के अंदर? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता था पुराने वाले प्लान के अंदर। अगर आप 1250 नहीं कर पाते थे महीने में तो आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाते थे और आपको डायरेक्टर बोनस नहीं मिलता था। आपको सिर्फ क्या मिलता था, आपने जो खुद की आईटी पर जो परचेजिंग करी है उसका बेनिफिट और थोड़ी बहुत आपको वो जो डिफरेंशियल इनकम थी वो आती थी, मतलब 2500-3000 रुपए के आसपास करीब करीब आपका पैसा बनता था पुराने प्लान के हिसाब से। अब नए प्लान में क्या हुआ है, आपने चाहे अभी ज्वाइन किया है यानी कि आप न्यू ज्वाइन ही है, आपने आप पहला महीना है, चाहे आप पुराने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपल सा एक काम करना है, क्या करना है वो, आपको सिर्फ 1200 पीवी करने हैं टोटल एक महीने में। जैसे ही आप 1200 पीवी कर देंगे टोटल एक महीने में आप हो जाएंगे क्वालिफाइड डायरेक्टर। अब बेनिफिट क्या हुआ, अच्छा पहले तो ये समझ लो, मैं जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहले डायरेक्टर बनने के लिए लगातार 4001 पॉइंट आपके टोटल एक्यूमुलेट होने पड़ते थे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल भी लोगों ने लिए हैं। पर अब क्या करना है, सिंपल सा काम है जी, 1200 पीवी करो, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो, आप डायरेक्टर बन गए। अब बन गए तो कुछ बोनसेस मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा देखो समझना, डायरेक्टर बोनस मिलेगा, बाइक बोनस मिलेगा, नेशनल ट्रेवल फंड मिलेगा, डिफरेंशियल बोनस आएगा और आपकी जो खुद की शॉपिंग है उस पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे पहले ही महीने में, यानी कि जो बंदा जिसने आज ज्वाइन किया है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ पहले ही महीने से वो 5 से 6 हजार रुपए की इनकम कमा सकता है अगर वो 1200 पीवी कर गया तो। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस, पुराने प्लान में जबकि ऐसा नहीं होता था। पुराने प्लान में जब कोई बंदा ज्वाइन करता था पहले ही महीने में, सपोज हो सकता है वो फास्टर अटेंड कर दे या 10% लेवल पे आ जाए, या ज्यादातर लोग तो इनफैक्ट 7% के लेवल पर ही रहा करते थे, ऐसा ही होता था ना, आप जानते हैं ना इस बात को। आप कमेंट करके बताना अभी इस पॉइंट के हिसाब से पुराना प्लान बेहतर था या नया प्लान बेहतर है। अब डायरेक्टर बनना आसान है ना यार, देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, जब डायरेक्टर बनना आसान है इसका मतलब है जो सारे बोनसेस मिलते हैं उनको लेना भी तो आसान हो गया पहले के कंपैरिजन में। ये चीज समझने वाली है क्योंकि दिमाग में ना चल रहा है लोगों के बहुत ज्यादा कि इस प्लान ने तो सब कुछ बेकार कर दिया है, जीरो रैंक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हजारों सवाल चल रहे हैं दिमाग में। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं और बातें आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझते रहिएगा मेरी चीज है। अब एक सवाल और आता है, आखिर एक्यूमुलेशन खत्म क्यों कर दिया, ये है ना आपके दिमाग में और आपकी टीम में भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि यार ये एक्युमुलेशन तो खत्म कर दिया। अच्छा एक्युमुलेशन का करना क्या है, पहले 4001 पीवी करने के बाद जब आप डायरेक्टर बनते थे तब भी तो 1250 पीवी करने पड़ते थे ना डायरेक्टर बोनस एंड अदर बेनिफिट्स को लेने के लिए। अब कंपनी ने क्या करा, बल्कि अब तो फायदा दे दिया, सिर्फ 1200 पीवी करने हैं एक महीने में, जैसे 1200 पीवी कंप्लीट हो गए उस महीने में आपके, आप डायरेक्टर क्वालिफाई यानी कि डायरेक्टर्स की लाइन लग सकती है बशर्ते काम किया जाए, है ना, डायरेक्टर क्वालिफाई। आपको अगर आपका डायरेक्टर किसी महीने में क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो नीचे वाली जो रैंक है, जो कंसल्टेंट जिसको नाम दिया गया है उसमें जो भी आपका स्लैब आ रहा होगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तो प्रॉब्लम कहां है, कंपनी ने आपका कोई नुकसान नहीं करवाया है, फायदा ही फायदा है नए प्लान के अंदर। सिर्फ समझने का गेम। दिमाग में ना एक सवाल और हो सकता है, मैं तो ना 15% पे था, मेरा तो डायरेक्टर होने वाला था, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, ये कैसे होगा, मैं तो वापस कंसल्टेंट पे आ गया हूं 5%। भाई एक बात बताओ, आप चलो मैं कहता हूं आप डायरेक्टर बन जाते 16% पे आ जाते, आप 4001 पीवी कर लेते, क्या उसके बाद 1250 पीवी नहीं करना पड़ता डायरेक्टर बोनस के लिए, करना पड़ता ना, तो अब भी तो वही करना है, बल्कि अब तो कम हो गया है, अब तो सिर्फ 1200 पीवी करने हैं, 50 पीवी कम हो गए।
तो आपका नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही फायदा है। प्लस आपकी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें पहले महीने से आप सिखाओ कि भैया 1200 पीवी करने हैं और बल्ले बल्ले तेरे को ये चार पांच बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ समझने का फर्क है, फायदा ही फायदा हुआ है आपका भी और आपकी टीम का भी। पुराने वाले प्लान में एक बंदे ने ज्वाइन किया और वो पहले महीने मैं कहता हूं 1200 पीवी कर लेता है, तो कहां आता वो 13% पे आता ना, 1000 रुपए के आसपास होता था उसका चेक आ जाता। बट आप सोचो अब नए प्लान के अंदर पहले महीने बंदे ने 1200 पीवी कर दी है, 5-6 तरह की इनकम और मिल गई उसे, डायरेक्टर बोनस, बाइक बोनस, नेशनल ट्रेवल फंड, डिफरेंशियल इनकम आएगी, अपनी शॉपिंग पे जो करा उसने अपनी आईडी से उस पर बेनिफिट आएगा। तो यार बताओ ना मुझे कहां नुकसान हुआ है, हुआ है कहीं नुकसान? अब बात समझ में आ रही है ना आपको इस वीडियो के अंदर? अब नए वाले प्लान के अंदर हम ना 60 पीवी की बात कर रहे हैं। सपोज बंदे ने 60 पीवी किया, अगर मैं पुराने वाले प्लान में जाऊं 60 पीवी के हिसाब से उसकी इनकम करीब 250-300 के आसपास आती है। नए प्लान में जरा कैलकुलेट करोगे आप, 60 पीवी जो बंदे ने किया तो क्या मिलेगा उसे? सबसे पहले तो करीब करीब 80 रुपए के आसपास उसका आएगा परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है, और सुपर बोनस कंपनी ने एक नया लॉन्च किया है यानी कि 240 रुपए के आसपास, 250 रुपए मान लेते हैं इसको मोटा मोटा, ये उसको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो ये कितने में बना जी, 320 रुपए बने, पहले आ रहे थे करीब 240-250 रुपए के आसपास अगर वो 1200 पीवी, अगर वो 60 पीवी करता तो पुराने प्लान के हिसाब से। प्लस 600 रुपए का लॉयल्टी का कूपन आएगा, ये भी मिलेगा, साथ ही साथ वो लक्की ड्रॉ में जाएगा जहां पर 2000 रुपए के प्रोडक्ट भी उसे फ्री मिल सकते हैं। नुकसान है कहीं भी? कहां है नुकसान? सोच के बताओ जरा कहां है नुकसान, कमेंट करो अभी, आपको नुकसान कहीं नजर आ रहा है? देखो ये चीज समझने वाली है क्योंकि आपकी टीम में ना बहुत सारे लोग आपसे ये चीज पूछने वाले हैं कि जी नए प्लान में तो हमें नुकसान हो गया। ये वीडियो भेज देना उनको, बस उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा भैया नए प्लान में कंपनी ने कोई नुकसान नहीं किया। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, कंपनी बेवकूफ है? 26 साल से जो कंपनी काम कर रही है और ग्लोबली जाने वाली है, क्या वो कुछ ऐसा करेगी जिससे लोगों का पैसा कम हो जाए? क्या उस कंपनी को नहीं पता कि भाई लोग छोड़ देंगे, लोग काम नहीं करेंगे अगर हमने ऐसा कुछ प्लान में चेंज कर दिया तो? यार इतना दिमाग तो ना हम सबके अंदर है कि हम ये समझ सकते हैं अगर कंपनी ने कोई चेंज किया है तो हम सबके फायदे के लिए किया है, सिर्फ उस कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है। और सिंपल सी बात है, मुझे तो एक ही बात समझ में आई है, पहले 1250 करने होते थे सारे बेनिफिट्स के लिए, अब 1200 करने हैं जो मेरा नया बंदा पहले महीने में भी कर सकता है और वो भी ये सारे बेनिफिट ले सकता है। सिर्फ इस सोच के साथ काम करो और कुछ नहीं करना आपको, इतनी सी बात समझनी है सिर्फ। क्योंकि जब 1200 पीवी करने हैं तो एक्युमुलेशन की भी जरूरत नहीं है, यानी कि जुड़ते क्रम में पीवी जोड़ने की जरूरत ही क्या है, करने कितने हैं सिर्फ 1200, 4000 थोड़ी करने हैं आप। सो 1200 पीवी पे खेलिए, 20 लोग 60-60 पीवी वाले 1200 पीवी करा देंगे, और देखो कुछ 100 पीवी भी करने वाले आएंगे, कुछ 80 पीवी होंगे, कुछ 120 पीवी करने वाले होंगे, कुछ 30 पीवी करने वाले भी होंगे। तो मिक्स फोकस क्या है आपका? फोकस है 1200 पीवी किसी भी कीमत पर हो जाए, और 1200 से ज्यादा होते हैं तो और बढ़िया, उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका बोनसेस बढ़कर आएंगे। यानी कि अब डायरेक्टर की इनकम, अब नए इंसान की इनकम जो पहले महीने जिसने ज्वाइन किया है वो भी 5-6 हजार रुपए की इनकम बड़े आसानी से कमा सकता है। आप सोचो ना यार, बंदे ने ज्वाइन करा, 3-4-5 हजार का सामान लिया और वही इनकम आपने उसको दिलवा दी, खुश होगा कि नहीं होगा? सारा सामान उसका फ्री हो गया ना, तो वो टिकेगा भी आपके बिजनेस में और वो काम भी करेगा मिलकर आपके। तो भाई देखो कुल मिला के कहानी ये है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, पुराना प्लान जैसा भी था नया प्लान उससे कहीं बेहतर है, कंपनी ने अपनी तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स देने की कोशिश करी है, आपका और मेरा काम है उन बेनिफिट्स को लेना और अपनी टीम को वो सारे के सारे बेनिफिट्स दिलवाना। कमेंट करके जरूर आप बताओ अब प्लान नया वाला बढ़िया है या पुराना वाला बढ़िया था, क्योंकि अब आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जीरो देखकर रैंक को घबराना नहीं है, सिर्फ काम पे फोकस करो, जो काम करेगा वो पैसा कमा लेगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपनी टीम के साथ, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस वीडियो की और इस वीडियो के अंदर जो मैंने चीजें बताई हैं उनकी। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज प्लान से रिलेटेड थोड़े थोड़े वीडियोज मैं छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में वो सब क्लियर होते रहे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट बिजनेस मंथ अप्रैल। थैंक यू सो मच, बाय।